कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज चौथा दिन है। पोलियो टीमें गली गली महल्ले महल्ले जाकर 5 बरस तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा मुहिम के दौरान क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं? जी बिल्कुल, कराची में चौथे रोज़ भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है, जिसके तहत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो के कतरे जो हैं वो वर्कर्स की जानिब से पिलाए जा रहे हैं। शहर के तमाम तर महल्ले हों चाहे गलियां हों, तमाम तर जगहों पर जो है पोलियो वर्कर्स मौजूद हैं और वो घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। महकमा हेल्थ सिंध के मुताबिक 22 लाख बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाने का टारगेट रखा गया है, जिसके तहत आज भी हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चाहे वो रिहायशी इलाके हों या कमर्शियल इलाके, तमाम तर इलाकों में जो है पोलियो वर्कर्स की टीमें जो हैं पहुँच रही हैं। बच्चों को कतरे पिलाने का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि इलाकाई सतह पर जो मराकज़ हेल्थ कायम हैं वहाँ पर भी टीमें मौजूद हैं, जहाँ पर बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो टारगेट हुकूमत सिंध की जानिब से रखा गया है उसे मुकम्मल कर लिया जाए और सिंध को, खास करके शहर कायद को पोलियो से पाक किया जा सके। साथ ही साथ महकमा हेल्थ सिंध की जानिब से ये भी गुजारिश की जा रही है कि वालदैन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि पाकिस्तान समेत शहर कायद से पोलियो का जो है खात्मा किया जा सके। जी।